अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से सरकार तक ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ती और सहायिकाएं सभी आंगनबाड़ी के केंद्रों पर जाकर के मातृत्व हो या उनके बच्चों को हेल्थ केयर के लिए समर्पित भाव से काम करती हैं। और आज जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, सौभाग्य से इस सदन में हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने पिछली लोकसभा में उनके मानदेय में पहली बार वर्षों के बाद वृद्धि की, और इस चुनाव में उनकी भूमिका जहां केवल पहले पुष्टाहार और उनके मातृत्व और उनके बच्चों के देखभाल की थी, अब वो पल्स पोलियो का भी काम कर रही हैं, जनगणना का भी, सेंसस का भी काम कर रही हैं, और उसके साथ बीएलओ का भी काम कर रही है। चुनाव में उन्होंने बीएलओ की भूमिका निभाई, तो इस तरह से एक बहुआयामी व्यक्तित्व हो रहा है। उनसे इस तरह से काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनों से लिया जा रहा है कि जो एक तरह से शासकीय राजकीय कर्मचारी की तरह से जो दायित्व का निर्वहन करें, उस तरह से वो बहनें कर रही हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों में अलग अलग मानदेय है। मैं आपके माध्यम से सरकार के को ये कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम पूरे देश में एक रूपता लाई जाए उनके मानदेय की जो वृद्धि है, और आज जिस तरह के दायित्व का निर्वहन वो कर रही हैं, निश्चित तौर से वो देश के लिए महिलाएं उपयोगी हैं, तमाम कार्य को कर रही पूरा, तो इसलिए उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।